हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी तीनों एग्ज़ामों के फ्रेंड्स एक एक करके सारे के फ्रेंड्स इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स जो मैं बात करूंगा आज जनरल साइंस की। फ्रेंड्स, जनरल साइंस के आज मैं 100 क्वेश्चंस करूंगा, जो 100 क्वेश्चंस बहुत बारी 1999 से लेकर अभी तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, तो पीडीएफ आपको ले लेना है, ठीक है ना। और पीडीएफ मैं अंत में बताऊँगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। और आपसे छोटी सी विनती होगी कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन और नए वीडियो के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर। तो फटाफट देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चंस इसी प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने। किसके द्वारा? हेनरी शीले द्वारा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड्स? तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है? आंसर गंधक। जो है ना, तांबा का जो शत्रु तत्व है वो गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर फ्रेंड्स 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? आंसर विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल में से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। जो भी होता है फ्रेंड्स, देखिए समतल दर्पण की अगर 4 मीटर प्रति सेकंड के से चाल उसकी चल रही है तो जब भी प्रतिबिंब उसका चाल के समय में आता है मनुष्य के दर्पण के अकॉर्डिंग तो वो 8 डबल हो जाता है, 4 × 2 हो जाता है, मतलब डबल। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वह उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपधातु कहलाते हैं। मनुष्य विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो आंसर फ्रेंड्स इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या सुनाई देगी या नहीं देगी? सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 0.5% हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्त काल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित हो रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? अनुनाद के कारण। फ्रेंड्स, जो जो आए हुए हैं
क्वेश्चंस और जो जो बार बार पूछे जाते हैं वह वही लेके आया हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद और 300 से 400 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा फ्रेंड्स, वो देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होंगे उसके बाहर से आपका एनटीपीसी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, तो जल के प्रवाह की दर। चौराहों और पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा, आधा हो जाता है, मतलब 12 घंटे का रहेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 11.2 किसकी है, वो एक पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है। उपग्रह से में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, तो ये पास्कल है दाब का मात्रक। खाने पकाने के बर्तन होना चाहिए किस कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। केल्विन ताप मापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है फ्रेंड्स, तो -0°C। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो फ्रेंड्स ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिवता धर्मिता का इकाई का नाम है। किस रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है, तो फ्रेंड्स बैगनी रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सेकंड पेंडुलम का सेम क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 36,000 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी का तेल में पदार्थ ऑक्सीजन नहीं होता। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो फ्रेंड्स हिप्पोक्रेट्स। कार में रेडिएटर का कार्य क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर के ताप होता है फ्रेंड्स 37°C, सेंटीग्रेड करिए या कहिए या सेल्सियस कहिए, बात बराबर है। दूर दृष्टिकोण से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या है, अवतल है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, किसी कारण, अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, आंसर फ्रेंड्स न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी कहलाता है। आंतरिक मतलब फ्रेंड्स फिजिकल, ठीक है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3×4/3, तो 3 कट जाएगा, 4 आपका 4 मीटर आपका आंसर रह जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों पर का परिवर्तन के ऊपर आधारित होती है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो आंसर जड़त्व।
लेंस सॉरी लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेजर जो होता है वो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स, केवल संवहन पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है? वह मीथेन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन जो है ना प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किस कारण से? फ्रेंड्स, तो वो जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है वो उसमें उसके कारण खाने से बैरी बैरी रोग होता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो फ्रेंड्स, लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? फ्रेंड्स, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, तो फैदोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? फ्रेंड्स, तो सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप्स। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार जो दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। कार्य का मात्रक क्या है? फ्रेंड्स, तो जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? वह दूरी है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? वह यौगिक पदार्थ कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? वह उसे आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दो गुणा कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या रहेगी? वह 332 मीटर पर सेकंड ही रह जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। पार्सेक किसकी इकाई है? फ्रेंड्स, पार्सेक दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं कहलाता, ये कुचालक कहलाता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद करके कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण? फ्रेंड्स, तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब? कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या हो जाएंगे? वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? आंसर आपका अमोनिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, ये न्यूटन मीटर पर सेकंड। कैंडेला मात्रक है किसका? फ्रेंड्स, ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वह जीव विज्ञान कहलाता है।
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में फ्रेंड्स सहवाल का अध्ययन होता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल आपका निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड से में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे जब मैं फ्रेंड्स इसका लास्ट सेट आपको दे दूँगा। लास्ट सेट क्या हो सके तो आपको थर्ड या सेकेंड शिफ्ट सेट में आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो जितने भी जितने ज़्यादा पीडीएफ होंगे फ्रेंड्स उतने ज़्यादा आपके फ़ायदे होंगे, तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा। नहीं तो मैं हो सके तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा। पीडीएफ लेना ज़रूर फ्रेंड्स आपको। बस यही आशा करूँगा कि आपने जिसमें फॉर्म भरा है, आपने एनटीपीसी हो एसएससी हो या ग्रुप डी जो आरआरसी करवा रही है, सभी में फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं 1999 से। हर एक बार में क्वेश्चंस ये बन रहे हैं, ठीक है, जो रिपीटेड हैं। तो क्वेश्चंस आपको देख लेना है और समझ लेना है किसके कितने क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आपसे छोटी सी विनती होगी कि वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके जितने भाई बंधु हैं सभी को ऐसी टाइप की वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।